電話を諦めろ。知れもない。वेलकम टू अनदर वीडियो। ये होने वाली है किंग्स राइड एनिमे के कंटिन्यू एक्सप्लेन का पार्ट 3। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर से देखना, क्योंकि प्रीवियस एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल का था। बात करें यार, प्रीवियस एपिसोड में आपने थोड़ा सा बीच में ब्लर वाले सीन्स देखे थे, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो हमारी वीडियो है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो यार उसके लिए, उसको बचाने के लिए हम थोड़ा सा उसे ब्लर करते हैं। एंड यार बिलीव करो, अगर हम उसे ब्लर नहीं करेंगे तो या तो हमें स्ट्राइक पड़ेगी या तो हमारा चैनल भी जाएगा। तो उसीलिए मैंने उसे ब्लर किया था। अगर इस एपिसोड में भी कोई ब्लर सीन देखने को मिलेगा तो आप समझ लीजिएगा कि जो वीडियो है वो ब्लॉक हो चुकी है। तो उसको मैंने थोड़ा सा एडिट करके डाला है। एंड यार प्लीज यार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा और कमेंट में थर्ड ग्रेट निंजा वॉर मत करिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड के एक्सप्लेन को। सो पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि कैसे कासेल के ऊपर बहुत सारे डीमंस अटैक कर देते हैं, और तभी हमें एक विच को दिखाया जाता है। जो विच बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है एंड वो कासेल के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ती है, लेकिन सही टाइम पे डार्क एल्व्स आके कासेल की जान को बचा लेते। उसके बाद जो कासेल रहता है वो क्लाउस से मिलता है एंड उसके बाद उन्हें बुलाते हैं मिस्टर डोमिनिक्स। एंड डोमिनिक्स उसको बहुत बड़ी चीज बताते कि जो कासेल है वो किंग काइल का बेटा है। एंड आखिर ऐसा कैसे है वो आज हम जानने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 3 की स्टार्ट में देखते हैं कि जो ओरिविलिया है वहाँ पे डार्क एल्फ को थोड़ी मोड़ी जगह मिल चुकी है। एंड तभी एक डार्क एल्फ बोलता है कि शॉपकीपर मेरा मुंह देख के बहुत ज़्यादा डर गया था, बट उसने मुझे खाना दे दिया। तो रोहित बोलता है कि तुम्हें थोड़ा सा देख के जाना चाहिए, और तभी वो डार्क एल्फ पूछता है, राइपिन क्या आप भी खाओगी, इसे बहुत ज़्यादा ये टेस्टी है। तो उसके बाद राइपिन बोलती है कि मुझे ये नहीं पसंद है, लेकिन राइपिन जब उसे खाती है तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद रोहित बताता है कि लिलिया की वजह से ही डार्क एल्फ को इतना ज़्यादा दुख सहना पड़ रहा है। फिर अगले सीन में मिस्टर डोमिनिक्स को दिखाया जाता है एंड वो कासेल को बताते हैं कि तुम किंग काइल के बेटे हो। एंड उसके बाद वो बताते हैं कि तुम्हारे फादर बहुत ही अच्छे थे। एंड उसके बाद वो बताते हैं कि वो एक डार्क एल्फ से दोस्ती करते हैं एंड उसका नाम रहता है लिलिया। एंड लिलिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है एंड वो स्पोर्ट्समैन बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। बेसिकली जो लिलिया रहती है वो ट्रेन करती है किंग काइल को, एंड किंग काइल को वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्पोर्ट्समैन बना देती है। एंड किंग काइल इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि वो अपनी दोस्त को भी डिफीट कर देता है। एंड उसके बाद उस टाइम भी मिस्टर डोमिनिक्स थे एंड मिस्टर डोमिनिक्स बोल उसके बाद मिस्टर डोमिनिक्स लिलिया को थैंक यू बोलते हैं कि तुमने किंग काइल को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। एंड उसके बाद किंग काइल बताते हैं कि मेरी ये जो ट्रेनिंग है इसकी मदद से मैं पूरे डीमंस को खत्म कर दूंगा और मैं बहुत ही एक अच्छा राजा बनकर दिखाऊंगा। ये सुनने के बाद जो लिलिया रहती है ये बहुत ज्यादा खुश होती है। लिलिया बोलती है कि मैं तुमको असिस्टेंट करूंगी और मैं तुमको बताऊंगी कि तुम कैसे हरा सकते हो डीमन लॉर्ड। उसके बाद जो किंग काइल रहते हैं वो शादी करते हैं कासेल की मॉम से, जिनका नाम रहता है आर्लेट। एंड उसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन जाता है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा लव करते हैं। लेकिन उस टाइम के किंग को ये देखा नहीं जा रहा था कि किंग काइल काफी ज्यादा लव में पड़ चुके हैं। तो उसके बाद वो उनको जंग के मैदान में उतार देते हैं। एंड उसके बाद जो किंग काइल रहते हैं फाइनली थोड़े से सीरियस हो जाते हैं एंड वो अब डीमन लॉर्ड के लड़ने के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद डोमिनिक्स बताते हैं कि शादी करने के बाद काफी ज्यादा दिक्कत होती है किंग काइल को, लेकिन उसके बाद भी वो उसे मैनेज कर लेते हैं। एंड उसके बाद बहुत सारे डीमंस जब अटैक करते हैं तो जो किंग काइल के सोल्जर्स रहते हैं वो अपनी पूरी हिम्मत के साथ उन्हें हरा कर दिखाते हैं। मतलब कि किंग काइल के जो सोल्जर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे उस टाइम के, एंड किंग काइल भी बहुत स्ट्रांग थे। इसी की वजह से जो किंग काइल थे वो उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। उसके बाद किंग काइल बोलते हैं हेप्टी प्लाजा से कि मैं तुम लोगों को अपनी मरते दम तक प्रोटेक्ट करने वाला हूं। एंड उसके बाद वो बताते हैं कि मैं डीमन लॉर्ड को भी खत्म कर दूंगा, जिससे इस वर्ल्ड में हमेशा के लिए शांति ही रहेगी। ये सुनने के बाद लिलिया बोलती है कि वक्त आ गया है काइल प्रॉमिस को पूरा करने। लेकिन जो काइल है उसके पास अभी भी उतनी पावर नहीं है कि वो डीमन लॉर्ड को डिफीट कर सके, तो उसके लिए उनको चाहिए एक ऐसा वेपन जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जिसका नाम है द होली स्वॉर्ड। एंड उसके बाद वो बताते हैं कि डोमिनिक्स बोलते हैं कि कई फाइट्स में काफी ज्यादा मामला सीरियस भी हो जाता था, जिसमें बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते थे काइल। उसके बाद मिस्टर डोमिनिक्स बताते हैं कि हम लोग ने भी शपथ लिया था कि हम मरते दम तक किंग काइल के साथ ही रहेंगे, उनके साथ ही लड़ने वाले हैं। तो उसके बाद वो बताते हैं कि एक जंग के दौरान वहां पे आ जाती है आर्लेट और उनके पेट में उस टाइम रहता है कासेल। तो उसके बाद
उसके बाद जो काइल रहते हैं वो आर्लेट से बोलते हैं कि तुम्हारे पेट में जो हमारा बेबी है उसका नाम होने वाला है कासिल। एंड उसके बाद जो किंग काइल रहते हैं वो निकल पड़ते हैं द होली स्वॉर्ड्स को ढूंढने के लिए। एंड उनका जो वो सपना रहता है या फिर उनका जो ड्रीम रहता है वो सच हो जाता है। एंड गाइज बिलीव मी, ये ऐसा वैसा कोई स्वॉर्ड नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है। इसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए। एंड इस स्वॉर्ड के अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि वो बहुत सारी चीज को एक बार में ही नष्ट कर सकता है। और उसके बाद मिस्टर डोमिनिक्स बोलते हैं कि हम लोग प्लान करते हैं कि कैसे हम डीमोन लॉर्ड की तरफ अटैक करेंगे। एंड उसके बाद मिस्टर डोमिनिक्स बताते हैं कि जो लिलिया रहती है वो उनको बहुत ज्यादा चिंता होती है काइल के लिए। एंड वो सोचते हैं कि वो काइल की कोई मदद नहीं कर पा रही हैं, तो वो काफी ज्यादा मैजिक्स को सीखना शुरू कर देती हैं, मतलब बुक से मैजिक को लर्न करना शुरू करती हैं। एंड वो बनाना शुरू कर देती हैं एक फेक होली स्वॉर्ड। एंड ये स्वॉर्ड मतलब ठीक उसी स्वॉर्ड की नकली रहेगी एंड उसके अंदर भी सेम पोटेंशियल रहेगा। लेकिन जो लिलिया रहती है उनका कोई भी बुरा मकसद नहीं रहता है, उनका तो बस एक मकसद रहता है कि वो किंग काइल की कैसे हेल्प कर सके। एंड फाइनली उनके एक मैजिक के दौरान एक पोर्टल खुलता है जो कि वहां पे दो मून रहते हैं, एक मून रेड होता है एंड वहां से अचानक से निकलता है डीमन लॉर्ड। एंड जो हमारी लिलिया रहती हैं वो किंग काइल से लास्ट टाइम मिलना चाहती हैं, लेकिन वो रास्ते में ही उनके ऊपर डीमन अटैक कर देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन जो किंग काइल रहते हैं वो जाते हैं एंड डीमन लॉर्ड से अपनी पूरी मरते दम तक लड़ते हैं। एंड फाइट के दौरान जो किंग काइल रहते हैं वो गायब हो जाते हैं एंड डीमन लॉर्ड भी गायब हो जाती है। एंड उनका जो लेजेंडरी वेपन रहता है वो अभी भी वहां पे गिरा हुआ है। एंड माना जा रहा है कि जो डीमन लॉर्ड है वो वापस आ रहा है एंड कासिल को फाइट करना है। मिस्टर डोमिनिक्स बोलते हैं कि जो लिलिया की मैजिक्स की वजह से ही तुम अभी तक जिंदा हो कासिल। एंड कासिल ये सुनने के बाद उसको थोड़ा मोड़ा बिलीव होता है। तो उसके बाद मिस्टर डोमिनिक्स बोलते हैं कि तुम्हें होली स्वॉर्ड को ढूंढना होगा और उसको अपने पास रखना होगा और तुम्हें उसकी मदद से डीमन लॉर्ड को हराना होगा। एंड उसके बाद मिस्टर डोमिनिक्स बताते हैं, ये सुनने के बाद डार्क एल्फ्स की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई क्योंकि उन्हें लगने लगा कि जो डार्क एल्फ है वो ह्यूमन को धोखा दे रहे हैं। लिलिया फेक वेपन बना के वो ह्यूमन के ऊपर राज करना चाहती थी, इसके बाद से उनके ऊपर मतलब कि डार्क एल्फ पे बहुत ज्यादा जुर्माना किया गया था। एंड यही स्टोरी बताते हैं रिहित अपने डार्क एल्फ दोस्तों को भी। एंड ये सुनने के बाद एक डार्क एल्फ बोलता है कि हम अपना लिलिया का बदला जरूर लेंगे। एंड रिहित बोलता है इसके बाद से ही ओलिविलिया में हमारी कोई भी जगह नहीं मानी जाती है, लेकिन हम बदला जरूर लेंगे। एंड यार इसी के साथ किंग्स रेड का एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है।